अब एक और बड़ी खबर आ रही है सिंगोली से। सिंगोली में ताल चौराहे पर एक ट्रक पलट गया जिसमें डालर चना की आड़ में डोडा चूरा की तस्करी हो रही थी। करीब 15 क्विंटल डोडा चूरा सिंगोली पुलिस ने वहां जब्त किया है। मौके से ड्राइवर फरार हो गया और यह डोडा चूरा राजस्थान ले जाया जा रहा था जो कि डालर चना की आड़ में भरा हुआ था। सिंगोली पुलिस द्वारा नीमच आम रोड पर ताल पुलिया के पास पाटन तरफ मोड़ पर ग्राम ताल में सड़क किनारे पलटी खाए एक टाटा कंपनी की आरजे 08GA3997 आयसर वाहन से 15 क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात्रि में सिंगोली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सिंगोली नीमच आम रोड पर ताल पुलिया के पास पाटन तरफ मोड़ पर ग्राम ताल में एक टाटा कंपनी की आयसर वाहन जो पलटी खा गई है उसमें बोरों में माल भरा पड़ा है और गाड़ी के पास कोई नहीं है। बाद में उक्त सूचना पर घटनास्थल पर जाकर तस्दीक करते आयसर गाड़ी के पास 75 प्लास्टिक के कट्टों में 15 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा व 78 खाकी रंग के जूट के बोरों में डालर चना बिखरा पड़ा मिला। मौके पर संपूर्ण कार्रवाई पश्चात वापसी पर थाना सिंगोली पर NDPS एक्ट अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में डोडा चूरा व डालर चना व जब्त आयसर गाड़ी के स्रोतों के संबंध में विवेचना जारी है।